बोनी कपूर बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर में से एक हैं। बोनी ने फिल्म इंडस्ट्री को कई शानदार फिल्में दी हैं। बोनी कपूर ने पहली शादी मोनी शोरी से की थी। इनसे दो बच्चे हैं, अर्जुन कपूर और अशुला कपूर। हालांकि इस दौरान बोनी कपूर की जिंदगी में एंट्री होती है श्रीदेवी की, जिन पर बोनी कपूर अपना सब कुछ हार बैठते हैं। बोनी कपूर की पहली पत्नी मोनी और श्रीदेवी एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। मोनी ने श्रीदेवी को काफी लंबे समय तक अपने घर में रहने दिया था। हालांकि इस दौरान बोनी और श्रीदेवी का रोमांस चल रहा था। खबरों के अनुसार मिथुन को श्रीदेवी से प्यार था। ऐसे में मिथुन को लगता था कि बोनी कपूर और श्रीदेवी के बीच कुछ चल रहा है। ऐसे में श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी। ये बात खुद बोनी कपूर की पहली पत्नी मोनी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। मोनी कपूर ने एक बार बताया था कि मिथुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए ही श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी, ताकि उन्हें भरोसा हो सके कि श्रीदेवी और बोनी के बीच कुछ नहीं चल रहा है। श्रीदेवी और बोनी कपूर ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, और जिससे वो ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। बोनी की पहली पत्नी को उन पर कभी शक नहीं हुआ था, क्योंकि श्रीदेवी बोनी को भाई कहकर बुलाती थी। अचानक एक दिन मोनी कपूर को पता चला कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है। इस बात को जानकर उनके पैर तले की जमीन खिसक गई थी। उन्हें सब धोखा लगने लगा था। बोनी ने मोना को तलाक देकर 1996 में श्रीदेवी से मंदिर में शादी कर ली थी, जिसके कुछ महीनों बाद ही जाह्नवी कपूर का जन्म हुआ था।